हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 4 व 5 के विषय गणित का गृह कार्य, जो कि दिनांक 3 मार्च 2022 को दिया गया है। इस गृह कार्य में देखेंगे कार्यपत्रक 13, जहां पर हम देखेंगे स्केल का प्रयोग करते हुए वस्तु की लंबाई किस तरह से मापी जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्केल पर कुछ वस्तु की लंबाई को दर्शाया गया है, बताइए उनकी लंबाई कितनी है स्केल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आपको जैसे पेंसिल गिवन है, स्केल के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई कितनी दिख रही है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। यहाँ लीफ दे रखी है पत्ती, 1, 2, 3 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है ये भी, तो 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। यहाँ है पेपर क्लिप, जो कि है 1 और 2 सेंटीमीटर की। यहाँ है ये शॉर्पनर, जो कि 1 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों की लंबाई बताइए। तो यहाँ लिखेंगे जैसे पेंसिल गिवन है, यहाँ 1 से लिख करके कितने सेंटीमीटर तक दिख रही है ये, 14 ना, 14.3 के समथिंग दिख रही है दीदी, तो यहाँ लिख देंगे हम 14.3। ये है मॉम कलर, तो यहाँ इसकी लंबाई दिख रही है 9.5 सेंटीमीटर। यहाँ है ये कलर, तो इसकी लंबाई दिख रही है 12 सेंटीमीटर। ये है एक रेखा जिसकी लंबाई दिख रही है हमें 15.7। ठीक है, नेक्स्ट कीड गिवन है जिसकी लंबाई हमें देखनी है, तो 8.5। ठीक है, 8.5। और ये है नेल, एक कील दे रखी है, तो 11.7। ठीक है, हमने अंदाजे से देखा है लंबाइयों को, क्योंकि हमें बिल्कुल एक्यूरेट तो दे नहीं रखा है, तो इस तरह से हमने मेज़र किया। देन थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए स्केल पर एक पेंसिल और शॉर्पनर की लंबाई को दर्शाया गया है, बताइए कि शॉर्पनर पेंसिल से कितने सेंटीमीटर छोटा है। तो पेंसिल की टोटल लंबाई है 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर, शॉर्पनर की है 1, 2 सेंटीमीटर। अब कितना छोटा है, तो 3 सेंटीमीटर टोटल छोटा है, तो आंसर आपका रह जाएगा 3 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन है, दर्शाई गई रेखाओं को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सबसे लंबी रेखा बताइए। तो सबसे लंबी रेखा की लंबाई होगी आपकी 1, 2, 3 सेंटीमीटर। सबसे छोटी रेखा की लंबाई, सबसे छोटी रेखा की लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर। सबसे लंबी रेखा सबसे छोटी रेखा से कितने सेंटीमीटर बड़ी है, तो 1.5 सेंटीमीटर बड़ी है, क्योंकि 3 में से जब 1.5 को घटा देंगे तो 1.5 बचेगा, तो कितने बड़ी है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर बड़ी है। ये जो वर्कशीट है आपकी पहले भी कई बार रिपीट हो चुकी है, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।